हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बनिया होंगे। तो गाइस, आज मैं बनाने वाला मुंबई लवर के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है। तो जितना आप मुंबई इंडियंस को फैन मतलब कि पसंद करते हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दबा के शेयर करना और कमेंट तो करना ही भूलना ही मत गाइस। मैं इससे ही पकड़ूंगा कि कितना आप मुंबई इंडियंस को पसंद करते हो और कितना नहीं। तो गाइस, मैंने भी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, चेन्नई सुपर किंग आरएसबी का मैं बहुत सारा मतलब वीडियो अपलोड किया है, बट देख उसमें बहुत सारा कम आया है। बट इसमें देखता हूँ कितना आप लोग पसंद करते हो और कितना नहीं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए गाइस, तो लेट्स गो। तो हेलो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्चर ओपन करना है। पिक्चर ओपन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ऑल फोटोज पे क्लिक करना है और आपकी जो बैकग्राउंड है वो ले लेना है। मैं अपनी बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, जब भी आप फ़ोन को या मतलब फोटो एडिट करते हो, तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड साइज होता है, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसको साइज़ को हमेशा बढ़ा कर रखना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से 2000 मैंने किया, ठीक है। अगर आपका 2000 पर मतलब साइज़ नहीं लेता है, तो आप यहाँ से 1717 करके कन कर देना है, ठीक है। तो गाइस, बैकग्राउंड लेने के बाद आप साइज़ वाइज बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद आप जो फोटो कट की हो उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो, अच्छे से आप सेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको डन करता हूँ और फिर से मैं जाऊँगा ऐड फोटो में और यहाँ पे कुछ PNG है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ बैट को सेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको सारा चीज़ बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे बैट को रोटेट किया, उसके बाद तो साइज़ को बड़ा किया यहाँ पे, ठीक है। और बैट को ऐसे पकड़ लेंगे ताकि फ़ोटो एकदम लगे, कहीं ठीक है। हमने बैट पकड़ के फ़ोटो क्लिक किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बैट तो सेट हो गया है। इसको यहाँ पे थोड़ा कम कर लेंगे ताकि आपको पता चले कहाँ से कट करना है। तो रजर पर क्लिक करके और यहाँ पे साइज़ को थोड़ा छोटा कर देंगे और हटने से थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, बैट को एकदम सेट कर लिया है मस्त वाला। तो इसको डन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से जाऊँगा ऐड फोटो में, कुछ यहाँ पे PNG में ऐड करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले ये, ठीक है। उसके बाद आप ये बॉल ले लेना और बॉल को नीचे डन करना, ठीक है, जस्ट नीचे। और इसको जो ये हमारा जीता हुआ कप है, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा ताकि मैं यहाँ पे मतलब फाइनल जीत गया हूँ। अब खुशी होती है कि जब मुंबई जीतता है, तो यार तो यहाँ पे मैं सेट कर लिया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा काम सारा हो चुका है। बट इसके बाद अब क्या करना है कि हम सबसे पहले आपको जाएंगे यहाँ पे ऐड फोटो में, उसके बाद कुछ मुंबई का जो PNG है वो मैं ले लेता हूँ। तो वो कुछ लोगो है, तो लोगो में यहाँ से लेकर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लोगो को यहाँ पे ऐड कर लूँगा ताकि ये लगे यहाँ पर मुंबई इंडियंस का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हल्का से इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा मस्त लग रहा है, इसको भी यहाँ से डन कर लिया। उसके बाद फिर जाऊँगा ड्रा फोटो, ठीक है। ड्रा में जाऊँगा, ठीक है। ड्रा में जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है और कलर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर मतलब यहाँ पे एडजस्ट मतलब मिला लेना है कौन सी कलर, यहाँ पे आपको ये कलर रखना है, ठीक है। इसको ओके कर लेना। ओके करने के बाद उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है ना कि नीचे स्लाइड करना है और ये फुल लिखा हो तो फुल भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे फ्रेम करना है, ठीक है। तो फ्रेम यहाँ पे डन। उसके बाद आपको यहाँ पे से खींचना है, इसको खींचने के बाद हल्का से इसको रोटेट करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने इसको रोटेट कर लेता हूँ गाइस, इसको हल्का सा बैंड करूँगा और इसको मिला कर दूँगा ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पर थोड़ा साइड से पता चल रहा है, तो इसको यहाँ पे जाऊँगा और इसे क्लिक करके इसको अच्छे से मिला लूँगा ताकि एकदम परफेक्ट बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मस्त वाली हो गई। उसको भी यहाँ पे करने के बाद इसको डन कर दिया। डन करने के बाद अब यहाँ पे जाऊँगा फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से मैं एक IPL का लोगो लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। इसको डन कर लिया और डन करने के बाद अब क्या है कि इसमें अब क्या करना है, और यहाँ पे ऐसे आप कुछ लिख देना ऐसे 2019 से जो भी। तो यहाँ पे मैं टैक्स में जाकर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2019 लिख देता हूँ क्योंकि 2019 का ही IPL है, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 मैं लिख देता हूँ, तो डन। और ये तो
बस यहाँ पे डन हो चुका है, और इसको साइड में कहीं एडजस्ट कर देंगे और यहाँ से आप मिला सकते हैं। ये वाला ज़्यादा हमको बेस्ट लगता है, तो इसको मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप कलर वर्ड जो भी आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा कलर डार्क मत रखना, ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे आप कलर यहाँ से अच्छा सा एडजस्ट कर मतलब एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ देखना, तो यहाँ पे जो है थोड़ा डार्क ब्लू रखना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डार्क में ब्लू कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला था अच्छे से यहाँ मिला के यहीं पर रखूँगा। उसके बाद उस पर क्लिक करके मतलब जूमिंग कर लूँगा, और जूमिंग करके यहाँ से हल्का सा उसको छोटा कर दूँगा और साइड में यहाँ पे डन कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से हमको इसको कम कर लेना है, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने इसको डन कर लिया, ठीक है। और हमारा काम यहाँ पिक्सार्ट में हो चुका है, तो अब चलते हैं लाइटरूम में। तो गाइस लाइटरूम में मिलते हैं, तो यहाँ वीडियो को पॉज करते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, फोटो को मैंने सेव नहीं किया है, तो फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ, तो ड्रा में जाकर सेव करूँगा, ठीक है। ड्रा में सेव करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अच्छा क्वालिटी में सेव होता है, तो आप यहाँ पे जाकर सेव करना, बहुत अच्छा क्वालिटी में सेव होगा। तो यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करके मैं सेव कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ लाइटरूम में जा। तो गाइस देखो हमारा फोटो यहाँ पे आ चुका है, बट इसको ऐड करूँगा आपको दिखाकर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक किया और इसको ऐड कर लिया, ठीक है गाइस। देखो तो हमारा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो वैसे हमारा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसको मैं फोटो भी क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कुछ कलर एडजस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से यहाँ पे देखना और प्रेम से काम करना, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपनी फोटो बनने वाली है, तो सबसे खास बात यही होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस लेंस पे क्लिक करना है, इस लेंस जैसा बना हुआ इस पर क्लिक करना है और इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। इससे तो उसके बाद क्या करना है कि आपको जाना है इस पर, इस लाइट का ऑप्शन बना हुआ इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो पूरा कलर यहाँ पे एडजस्टमेंट है पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैठे तो यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे साइड हो, यहाँ पे आप कम बेसिक कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, इसको मीडियम रखूँगा। यहाँ पे वाइट है, तो वाइट को यहाँ पे मिला तो बड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ब्लैक है, तो थोड़ा ब्लैक यहाँ से कम बेसिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आपको चाहिए उतना फोटो में आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ब्लैक हमको नहीं रखना है, बट अभी नहीं, बाद में मैं करूँगा ब्लैक का काम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप काम हो गया कि यहाँ पे सब मिला सकते हो, कलर है मतलब ज़्यादा आपका वाइट हो गया, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइट मतलब फोटो में लाइट भी कम है, तो यहाँ पे आप बढ़ाकर या मतलब ज़्यादा कर सकते हो। तो हमारा फोटो मतलब लाइट कम था, तो इसको मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद चलता हूँ कलर एडजस्ट में। तो यहाँ पे कुछ कलर मतलब मिक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर एडजस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इस यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे रेड पे क्लिक करता हूँ। जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो कभी भी हम कलर एडजस्ट करता हूँ, तो पहले हम रेड से ही स्टार्ट करते हैं और इधर से स्टार्ट करते हैं उल्टा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रेड पे अच्छे से आप यहाँ पे थोड़ा रेड को यहाँ पर रख लिया, पिंक नहीं, हल्का रखूँगा मीडियम। उसके बाद आपको यह करना है, इस मतलब इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे क्या टी शर्ट पर देखो, आप टी शर्ट पर देखो तो कलर चेंज हो रहा है ना गाइस। तो आपको यहाँ पे टी शर्ट पे कलर चेंज कर सकते हो, बट चेंज नहीं करना क्योंकि मुंबई इंडियंस का ये कलर ही है, तो आपको ये रखना होगा। तो मैं ये रखा, ठीक है। तो आप ये रखना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारा काम एकदम मस्त लग रहा है, तो इसको यहाँ पे भी इसको मैं थोड़ा मोड़ा रखूँगा मिलाकर, इसको येलो कर देना हल्का, इसको हल्का लाइट कर देना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको थोड़ा फेस पे मतलब यहाँ फेस पे ध्यान देना है, तो इस पर क्लिक करना है और इस पर नीचे वाले को हटा देना, ठीक है। तो आप देखो आपका फेस कितना बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम तो ज़्यादा अब ज़्यादा यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है कि आपकी फ़ोटो भी ख़राब हो सकती है। तो गाइस जितना ज़रूरत है उतना ही रखना। तो गाइस इसको मैं डन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आऊँगा, इसको थोड़ा सा कम रखूँगा, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे कलर अलग लग रहा है, ठीक है। और इसको मैं बढ़ा लूँगा, तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन फ़ोटो लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम टोटली हो चुका है, बट एक और काम बचा हुआ है, फेस स्मूथ और थोड़ा क्लैरिटी देना बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्लैरिटी तो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ताकि फ़ोटो में एकदम मस्त वाली लाइट आ जाए, ठीक है। और इसको हल्का सा यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि फ़ोटो एकदम परफेक्ट दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक काम हो गया, बस लास्ट ये काम बचा हुआ है, फेस स्मूथ करना, ठीक है। इसको सबसे पहले करना, क्योंकि फ़ोटो यहाँ पे थोड़ा मस्त वाली हो जाती है, और इसको स्मूथ कर लूँगा फेस को, तो आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आप फेस देख लेना, देखो इस फेस हमारा कितना मस्त हो चुका है। तो गाइस अब इसको फ़ोटो क्या करता है, अब दिखाता हूँ क्या पहले कैसा फ़ोटो था, अब कैसा फ़ोटो है। तो गाइस देखो पहला क्या फ़ोटो जो पिक्सार्ट में हमने बनाया था, अब लाइटरूम में आने के बाद क्या पिक्सार्ट का कलर कैसे होता है और लाइटरूम का कलर कैसे मार देता है। तो लाइटरूम बहुत अच्छा ऐप है, उसको आप यूज़ करो,
तो आप देखो लाइट रूम आने के बाद कितना अच्छा हो चुका है। तो गाइस इसको सेव करना है तो आपको तीन डॉट पे क्लिक करके इसको डिवाइस टू सेव कर लेना है। ठीक है हमारा फोटो सेव हो रहा है। तो गाइस अगर आप मुंबई इंडियंस का फैंस हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बाकी शेयर करना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस बाय बाय।